अरे पिंटू आए बढ़िया आए बढ़िया चाय किसी नहीं कटी आप लेंगे नहीं नहीं चाय नहीं पीती दो चाय कर दो फिर मुझे तेरी भाई बस बन रही है चला हुआ है अभी देखते कोई ना सीनियर से कॉपी कर देंगे टेंशन मत कर यार अपनी डेट शीट आ गई यार चलो दे दो अरे यार थोड़ी दूर रह के तो खान क्या हुआ कुछ नहीं है यार कितना टाइम हो गया देखो खांसते देखो दो हफ्ते तो तूने अभी तक डॉक्टर को दिखाया नहीं है क्या किसी अरे लोकेश शर्मा जी केमिस्ट के पास गया था उन्होंने दे दी हमें दवाई आप केमिस्ट से क्या होता है किसी को कम से कम डॉक्टर को तो दिखा ठीक है दिखा देता हूँ दो हफ्ते ज्यादा होते हैं दो हफ्ते बहुत होते दिखा देता नहीं नहीं डॉक्टर को दिखा कर आ जा करके कम से कम ढंग की दवाई तो देगा तो को पता तो चलेगा क्या है कब से खास रहा है भैया मेरा रेगुलर ठीक है साहब 4 लाख हर साल 4 लाख लोगों को टीबी अपनी चपेट में लेता है हमारे देश में और WHO के अकॉर्डिंग 25 लाख केसेस है ऑन गोइंग हमारे देश में तो इसका कारण क्या है हमारी लापरवाही दो हफ्ते से ज्यादा खांसी हुई तो शर्मा जी बेनाड्रिल दे देंगे बुखार हुआ तो PCM तो हाथ बोला है हमारे और वजन कम हुआ तब तो भाई इससे अच्छी बात ही क्या है पर क्या आपने सोचा ये किस चीज के लक्षण है सोचिए सोचिए मैम साहब चाय तैयार है आपकी हमारी सरकार ने नेशनल टीवी प्रोग्राम शुरू किया था जो कि 1993 तक RNTCP में बदल गया एम तो था कि टीवी एलिमिनेट करना है डॉट्स CBNAT जैसी नई इंटरवेंशन भी लाए बट सक्सेस रेट फिर भी थोड़ी डामाडोली है उसका कारण कुछ हमारे एंड में हो सकता है और कुछ इनके एंड पे था लोग आए ही नहीं कुछ का इलाज केमिस्ट ने कर दिया कुछ का इनकी तरह झोला छाप ने कर दिया बाबा जी बट हमारे तक तो लेट ही आते हैं अब देखते हैं हमारे मरीज आते हैं या नहीं आइए आइए बैठिए बैठिए क्या नाम है आपका आरुष क्या उम्र है आपकी 23 कहाँ के रहने वाले 16 किस दिक्कत के साथ आए आप खांसी है 2 घंटे से खांसी है कब से 2 हफ्ते से और कोई खांसी के साथ हो कोई दिक्कत कुछ नहीं है चलो हाँ जी डीडी बताएं कब फ्रॉम पास्ट 2 वीक्स सर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इंफेक्शन हो सकती है इन्फ्लुएंजा हो सकता है जैसे कि आजकल बहुत फैल रहा है कोविड भी हो सकता है एस्मा हो सकता है स्मोकिंग करते हो आप नहीं तो सर फिर हम COPD को जाने ले सकते स्मोक नहीं करते आप सच बोल रहे हो ना हमसे झूठ नहीं बोल रहा है जी डॉक्टर साहब करते हो आपकी कफ की दिक्कत है कफ में क्या पॉइंट पूछते हैं कब से आपको दो हफ्ते से सर ये हमने ऑनलाइन पूछ लिया उसके बाद प्रोग्रेशन पूछेंगे तो ऐसे ही की उतनी रह रही है की कुछ बड़ी है रह रही है बस बस रह रही है अच्छा देन सर एग्जामिनेशन एंड डिलीट फैक्टर्स ऐसा कुछ होता है कि किसी चीज से ज्यादा बढ़ जाती हो
जैसे कुछ खट्टा खा लिया या ऐसा कुछ तो ज्यादा आने लग गई और दवाई पी ली तो ठीक हो गई। दवाई पी फर्क नहीं पड़ रहा, सर्दी आराम हो गया। और आपको एसोसिएटेड सिम्टम्स पूछेंगे सर हम। सीजनल वेरिएशन का पूछा है, टाइम बहुत चल रहा है ना, काफी ज्यादा है सीजनल, मतलब आपको ऐसा तो नहीं कि इसी महीने में ही होता हो हर बार, पहली बार ही हुआ वो। अच्छा एक बात बताओ कि आप जब खांसते हो बल्गम में आपको खून वगैरह आता है? खून आता है बल्गम में? एक बात मैंने देखा। अच्छा तो ऐसा तो नहीं आपका वजन वगैरह कम हुआ है? अच्छा और भूख वगैरह कम हुई है पहले के कंपैरिजन में? चलो ठीक है, मैं आपको टेस्ट लिख रहा हूँ, यहाँ लेबोरेटरी है, आपने यहाँ टेस्ट कराना है सारे, ठीक है, रिपोर्ट्स दिखानी है फिर। और मास्क लगाओ सबसे पहले आप, ठीक है? बराबर बोलो सर, मास्क लगाना बहुत जरूरी है, जरूरी है। अरे डॉक्टर साहब आओ आओ। और सर कैसे हो? बस बढ़िया बढ़िया, आप सुनो सब बढ़िया? हाँ जी बढ़िया सर। वो कुछ ना टेस्ट लिखे हैं डॉक्टर साहब ने। अच्छा ठीक है ठीक है, तो बस आप वो कर दो सर। ठीक है ठीक, धन्यवाद। और कैसे हो? क्या नाम है आपका? क्या दिक्कत क्या थी आपको? खांसी ये टेस्ट है आपके बलगम की, बलगम की जांच जो हुई आपकी ना, वो एयर टेस्ट तो हो जाएगा आपका, सीटी नेट जो है उसमें दो घंटे में आपकी रिपोर्ट आ जाएगी, वो ले लेगा मुझसे, एक्सरे आपका 7 घंटे में हो जाएगा। बलगम का मैं सैंपल ले लेता हूँ आपको, चेक दूंगा मैं दो, एक आपका सैंपल अभी लूंगा मैं और एक मुझे आपको सुबह का सैंपल चाहिए होगा। कल से आना पड़ेगा, दिक्कत तो है आप क्या करें, सुबह आप यहीं आकर लेना पड़ेगा, थोड़ा अपनी एक्सरे की रिपोर्ट ले लेना, उससे डॉक्टर साहब को दिखाएंगे, ठीक है? आप ये एक्सरे रिपोर्ट क्या दिख रहा है एक्सरे में बताओ सर? नॉर्मल तो बाकी सब तो ठीक है, पैथोलॉजी बताओ, पैथोलॉजी सर ये फाइब्रोसिस दिख रही है थोड़ी, बाकी जो ब्रोंकियल मार्किंग है ये भी प्रोमिनेंट है, सिर्फ दिख रही है। देखो स्वागत हमारा डायग्नोसिस जो हमने सस्पेक्ट करा है, ठीक है? हां सर सस्पेक्ट काम करो, पेशेंट को इन्फॉर्म करो डॉट सेंटर पे, उसको दे दो इन्फॉर्मेशन। डॉक्टर आप आने आपका सही है, आपके डॉट्स के लिए आया? ये डॉट्स है क्या सर? सुबह से डॉट्स के लिए चिंतित कर दिया। डॉट्स डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स है, ये एक प्रोग्राम है जो हमारी सरकार द्वारा चलाया जाता है, इसमें पहले आपकी जांच करी जाती है और उसके बाद जो भी आपके लक्षण होते हैं उस हिसाब से आपको दवाइयाँ दी जाती है, और वो दवाई आप सही टाइम पे ले रही है, ठीक से ले रहे हैं, और ताकि वो भूल ना जाए और आप हर रोज दे रहे हैं, तो उसके लिए आपको एक वर्कर भी दिया जाता है। और आप ये सब हमसे पूछना कि हमें पता नहीं चलेगा कि आप दवाई ले रहे हो या नहीं ले रहे हो, जो आपको दवाई दी जाएगी उसके रैपर के पीछे एक डॉट साइन करके नंबर दिया जाता है, जब भी आपने दवाई खानी है तब आपने उस नंबर पे कॉल करनी है, और जिस दिन हमें कॉल नहीं आई तो हमें पता चल जाएगा कि हमें दवाई नहीं है। हाँ जी, जब भी आप दवाई इस प्रोग्राम से देखो, ये भी फायदा होता है कि आपके आसपास जो या फिर घर में आपके फैमिली में जो भी आपके साथ रह रहे हैं ये बीमारी ना जो आपको अभी हो रही है, जैसे देखो आपने अभी भी मास्क नहीं पहने और आप खांसे जा रहे हैं बार बार धूप में, अब जैसे आप ये खांस रहे हैं तो आपके फैमिली मेंबर्स को भी तो ये बीमारी होगी ना। अगली बार मास्क करते नेक्स्ट पेशेंट। अरे आप दोनों भी यहाँ पर? चलो कोई बात नहीं, अब हमें तो हो गया, लेकिन अब तो मास्क लगा लो, इसको आगे से रोकने से हटाओ। हाँ, और सिर्फ मास्क ही नहीं, जो तुम्हें दवाइयाँ दी जाएंगी वो भी पूरे प्रॉपर ढंग से लेनी है, ये नहीं कि सिर्फ 2 महीना ली या 10 दिन ली और बस खत्म, ऐसा नहीं करना है, और जगह जगह थूकना नहीं है, और एक दूसरे के साथ खाना भी शेयर नहीं करना है, ठीक है? और मास्क जरूर लगाए, इसीलिए कहा जाता है दोस्तों 2 गज दूरी मास्क से जरूरी। जल जल को जगाना है, टीवी को हराना है, टीवी हारेगा देश जीतेगा।